केंद्र दी मोदी सरकार ने आम बजट ऐलान दिता है। कोरोना महामारी ते लॉकडाउन दे पन्ने लोकां नूं मोदी सरकार दे बजट तो वड्डियां उम्मीदां सन, पर खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण दा पटारा खुल्लिया तां लोकां च निराशा दा आलम नजर आ रहा है। टैक्स करदातावां नूं कोई राहत नहीं, टैक्स लै पहलां वांग ही रहेगा, उल्टा PF दी 2.5 लाख तो वध दी रकम ते हुण टैक्स लगेगा। अंकड़ियां दी जादूगरी है, केंद्र सरकार बजट दे सोले गा रही है तां विरोधी धिरां इस नूं बेफजूल दस रहियां हन। पर आम लोग सोचते हैं वह भी अहम है। अमृतसर साड़ी टीम ने जायजा लिया तो लोगों के लिए निराशाजनक रहा बजट, जो उन्होंने उम्मीदों से खरा नहीं उतरता नजर आया है। लोगों के मुताबिक कोरोना के चलदियां लगे लॉकडाउन च काफी उम्मीद सी बजट तो, पर संतुष्ट नहीं हैं। लोगों के मुताबिक बजट निराशा वाला है। बजट बहुत माड़ा बजट पेश हो, जी पेट्रोल दीमत बहुत वध गई ने, जिहड़ी अगे साड़ी मार तो बाद सी, इहदे नाल हर चीज़ का असर पैना। बहुत ज़्यादा सर गलत हैगा वै, अज दे बजट च किसी भी व्यापारी नूं कोई मजा नहीं दिता गया हैगा वै। इन्हां सिर्फ कॉर्पोरेट घरानियां नूं ही बेनीफिट देने वास्ते कीता गया, आम इंडस्ट्रियल आम निडोकर आदमी वास्ते कुछ भी नहीं स्कीम ने दित्ती। बजट क्या है, कुछ भी नहीं है बजट, आम लोगों नूं वेख के थोड़ी बनता वा। ये तो तगड़े दो चार घराने है उन्होंने मुताबिक ही बनता वा, प्लस ये है कि हुण डीजल पेट्रोल फिर वधाता है। कपिल अग्रवाल के मुताबिक बजट निराशाजनक रहा, 5 से 10 लाख रिटर्न का स्लैब नूं ही दोहराया गया जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि टैक्सी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल है, गड्डिया के रेट बधाए गए हैं, 65,000 करोड़ हेल्थ कवर के लिए रखे गए हैं, पर यह देना किसनों है तो किवें है इसका कोई अता पता नहीं है। जट अज इन्होंने मानयोग साढ़े फाइनांस मंत्री ने इन्होंने जो दिता बड़ा निखिध बजट दिता। सब तो वड्डी गल ये आ कि जिहड़ा इन्होंने बजट च कहा कि असी 5 से 10 लाख पुराने रिटर्न जिवें चलता आ रहा सी पिछला स्लैब, उही स्लैब इन्होंने दोहराया। वो स्लैब दोहरा के की किया जी, ना तो 5 से 10 लाख जो 20% चार्ज टैक्स कर रहे थे वो 10% कर देंगे, थोड़ा बेनीफिट हो जाना सी। सर्विस क्लास लई इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सर्विस क्लास लई लोन की अमाउंट जी 3% कर देंगे, होम लोन लई, कार लोन लई, किसी भी तरह के लोन की वो भी नहीं किया। एक जो सा छोटा जहा खेत्र है डैट इज़ ट्रैवल बिजनेस, टैक्सी बिजनेस, ठीक है जी, वो टैक्सी बिजनेस इन्होंने जोड़े मेरे वीर ने वो गड्डिया 2 इनोवा पा लेंगे ने सरकारी परमिट के सारे, 1 इनोवा पा लेंदा कहता बेरोजगारी को बचाने लिए गड्डी चला लेंदा। अज इनोवा गड्डी का रेट इन्होंने लग्जरी टैक्स लगा के 4 लाख वधा दिता। मैं इस चीज़ को कहता नहीं कि 4 लाख की गड्डी का रेट वधाता कोई गल नहीं, लेकिन जोड़े कमर्शियल सैक्टर से यूज़ कर रहे हैं उन्होंने रेट घटाओ, जिहड़ा पर्सनल यूज लई कर रहा है वो बेसिक साहूकार बंदा है उन्हें 4 लाख छड़ के 8 लाख भी वध भर देना। जिहड़ा बेचारा छोटा ड्राइवर तबका है, छोटा ट्रैवल एजेंसी है, वो 4 लाख रुपये वो जगह वो रेट घटा दो, लग्जरी टैक्स लगाओ वो जिन्हें सैल्फ कंजप्शन करनी है। तो दूजी गल, 65,000 करोड़ इन्होंने बजट दिता वो अपना हैल्थ ली, तो हैल्थ ली की बजट दिता है यह अज तक क्लीयर नहीं हो जी। 65,000 करोड़ रुपया आप किनू देना, मैं तो यही कहूँगा बजट बहुत माड़ा बजट है, ये अपना बिजनेस क्लास ली मीडियोकर क्लास ली सब तो ज़्यादा माड़ा बजट है। जगजीत सिंह के मुताबिक बजट में किसी व्यापारी नूं कुछ राहत नहीं दिती गई, कोरोना महामारी च बहुत नुकसान होया, भारत विदेशी मुल्कां वर्गा बनना चाहुंदा है तो बनाउण दी कोशिश की कीती जा रही है पर फायदे नहीं दिते जा रहे हैं। मेरा नाम जगजीत सिंह है जी, अपनी हैगी जी बजट जो अज का बजट बहुत ज़्यादा सर गलत हैगा वै, अज के बजट किसी भी व्यापारी को कोई मजा नहीं दिता गया है वै। इन्हें सिर्फ कॉर्पोरेट घरानियां ही बेनीफिट देने वास्ते किया गया, आम इंडस्ट्रियल आम निडोकर आदमी वास्ते कुछ भी नहीं स्कीम ने दी, जो कि आम इंडस्ट्री वास्ते बहुत जरूरी हैगी है। आम इंडस्ट्री में ग्रोथ करने वास्ते कुछ ना कुछ टैक्स दी चीज़ा कोरोना महामारी करके गया वै, कुछ तरह कोई नहीं हैगी। लेकिन फॉरन के की है गया वे भी उत्थे जो इंडस्ट्री टैक्स भरता उन्हें सबसिडीज़ मिलती हैं, प्लस हेल्थ सबसिडीज़ मिलती हैं, ये कोई इस तरह की इंडिया गवर्नमेंट ने बजट में नहीं की। वीसा तो असी जरूर असी फॉरन वर्गे कर रहे हैं, पर लेकिन कोई सिस्टम नहीं अपलाई हो रहा। दलजीत सिंह के मुताबिक इस बजट नूं कॉर्पोरेट घरानियां नूं देख के बनाया गया है, इस बजट विच आम लोगों नूं देख के कुछ नहीं किया गया है। एसी कमरे च बैठ के इस बजट नूं बनाया गया, पेट्रोल डीजल के रेट नूं वधाया गया। दिलबाग सिंह के मुताबिक पेट्रोल डीजल के रेट वधन नाल बसां दे किराए भी वध जाणगे, आम लोगों के मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहला ही नौकरियां तो लोग हथ तो बैठे हैं, अजिहे विच बजट ही एक सहारा सी, पर उस तो भी उन्होंने हथ निराशा ही लगी है। बजट क्या है, कुछ भी नहीं है बजट, आम लोगों को वेख के थोड़ी बनता वा, ये तगड़े 2-4 घराने है उन्होंने मुताबिक ही बनता वा,
ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਤਾ ਵਾ। ਬਸ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਮਝੋ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਹਾਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ। 2-4 ਬੰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪਾਲਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਜਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਲੋੜ ਵੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਤਰਨਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਲਕ ਕਰੇਗਾ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।